हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज मीनाक्षी पुंडीर एंड आई एम अ बीटेक स्टूडेंट। तो इस वीडियो को बनाने का भी यही मेन पर्पस है, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में थी और मुझे भी बीटेक करना था एंड दैट टाइम आई वाज क्लूलेस, और जब भी मैं देखती थी अपने से बड़े जो भैया दीदी होते थे जो बीटेक करते थे, तो मुझे वहां से एक ऐसे हुआ कि मुझे भी बीटेक करना है। बहुत ज्यादा पॉपुलर कोर्स भी है बीटेक, बहुत अच्छा साउंड भी करता था, और ये बोला भी जाता है कि एमबीबीएस के बाद टफेस्ट डिग्री होती है बीटेक को पाना। तो उस टाइम पे ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी या कोई ऐसा मेरे पास नहीं था कि जो मुझे बताए कि इसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सी ब्रांच होती है, मुझे कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, कौन सा कॉलेज है जिस कॉलेज से मुझे बीटेक करना चाहिए, या इंजीनियरिंग आपके लिए कितना सक्सेसफुल होगी या सक्सेसफुल नहीं होगी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, मुझे मैं कुछ नहीं जानती थी, बट मुझे ये था कि मुझे बीटेक करना है। बीटेक आप दो तरह से कर सकते हो, जैसे आप 10th के बाद बीटेक कर सकते हो और 12th के बाद भी बीटेक कर सकते हो। 10th के बाद आप बीटेक कैसे कर सकते हो, 10th के बाद एक डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसको हम पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, वो आपका 10th के बाद होता है और एकदम बीटेक की तरह ही आपके उसमें सारे ब्रांचेस होते हैं, सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, जो कि आपका 3 साल का रहेगा। एंड अगर आप 3 साल का वो जो डिप्लोमा करते हो उसके बाद अगर आप बीटेक करते हो, तो बीटेक भी आपकी 3 साल की रहेगी। आप डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हो सेकेंड ईयर के बीटेक में। तो इस तरह से आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हो, जो कि 10th के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद बीटेक होती है। एंड आप 12th के बाद भी डायरेक्ट बीटेक कर सकते हो, जो कि आपकी 4 साल की होती है। मैं आपको यहाँ पर यही चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बीटेक करना है तो आप 12th के बाद करो, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बीटेक बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। मतलब एक टाइम ये भी आता है कि दे वॉज फ्रस्ट्रेटेड कि अब बीटेक नहीं होगा या उनसे नहीं हो रहा वो सब्जेक्ट्स, क्योंकि क्या रहता है, बीटेक आपकी बेसिकली फिजिक्स और मैथ पे होती है, जो कि आपका 12th जो होता है वो मिस हो जाता है, प्लस टू 11th 12th आपका मिस हो जाता है, वो आप नहीं करते हो। उसके बाद आप डायरेक्ट डिप्लोमा करते हो, जिसमें आपके ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, बस नाम का मैथ वगैरह आपको पढ़ाया जाता है। बट आप जब बीटेक करते हो, बीटेक आपको पूरा 12th के बेस पर होता है और आपको पूरा उसमें फिजिक्स और मैथ्स यूज होता है, तो वहां पर जो बात लगती है वो एक अलग बात है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका भी प्लान है बीटेक करने का, तो आप पहले 10th करो, फिर आप 12th करो, फिर आप बीटेक करो। कभी भी 10th के बाद डिप्लोमा मत करो। या आपके कोई फ्रेंड है उनको भी यही सजेस्ट करना है कि 10th के बाद कोई पॉलिटेक्निक मत करो। इवन आप डिप्लोमा तब कर सकते हो, उन लोगों के लिए डिप्लोमा अच्छा है जिनको पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा लाइक एवरेज है, जिनको और ज़्यादा कोई ऐसी डिग्री हायर नहीं लेनी है, तो 10th के बाद आप डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा से क्या, आपके बहुत सारे सेक्टर्स ओपन हो जाते हैं जो कि 12th के बाद नहीं होते हैं। तो डिप्लोमा एक तरह से आपके पास एक छोटी डिग्री आ जाती है, जिससे आपको जॉब भी मिल जाती है, एक जूनियर लेवल पर जॉब मिल जाती है। बट अगर आपको बीटेक हायर क्वालिफिकेशन में जाना है, तो 10th के बाद कभी भी डिप्लोमा मत करिए। आप पहले 12th करो अपने अच्छे से, फिर बीटेक करो, क्योंकि ऑल ओवर वो फिजिक्स और मैथ पे होता है और आप बीटेक में नहीं कर पाओगे फिर। अगर हम देखें सिलेबस वगैरह के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सेमेस्टर्स के बारे में, तो आपके बीटेक में ऑलमोस्ट 45 to 48 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पूरे 4 साल में, और आपका 8 सेमेस्टर होते हैं, जो कि साल में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके 6-6 महीने के, और आपके वो ओवरऑल 8 सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर में आपके 6 से 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, और आपकी जो फाइनल ईयर होती है उसमें आपके सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं। जैसे फाइनल ईयर में जो फाइनल सेमेस्टर होते हैं, 7 सेमेस्टर होगा, उसमें आपके 3-4 सब्जेक्ट्स होंगे, लास्ट में आपके 2-3 सब्जेक्ट्स होंगे, बट उसमें आपका प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। एंड उसके भी अच्छे खासे मार्क्स आपके ज्वाइंट होते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं। हर मेरे को तो अपने बीटेक में सबसे ज़्यादा हर सेमेस्टर मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट रहता था कि जो एक होता है ना कि टफ, कि ये पता नहीं क्या होगा, इसमें बैक वैक ना आ जाए या फिर कहीं फेल वेल ना हो जाए, वो समझ ही नहीं आता था। तो हर सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको ईजी रहेंगे, थोड़ा आपका ना एक वे ऑफ लाइक इन्वायरमेंट को देखकर। इंजीनियरिंग इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे चीज़ों को इमेजिन या विजुलाइज कर पा रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करती है। बट कुछ सब्जेक्ट्स तो आपके इस तरह के भी होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े इससे हटके होते हैं, जैसे मशीनरी होता है, मैकेनिक्स होती है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, जैसे फॉर्मूला है, बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं। तो हर सेमेस्टर में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था कि एक सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा मुझे टफ लगता था और बहुत उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बाकी बीटेक में स्ट्रेस होता है, बट ऑलमोस्ट हो जाती है अगर आप मेहनत करते हो, गिव अप नहीं करते हो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एयरबैग भी आते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि वो बीटेक बीच में ही
गिव अप कर देते हैं, चले जाते हैं, बट बहुत सारे 98% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी जो ये डिग्री है उसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बीटेक टफ है, बस आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपके लिए टफ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आ जाएंगे कि भाई ये नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट अगर आप मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो वो भी हो जाता है। एंड हर सेमेस्टर में, जैसे मैंने बोला, आपके 7 से 8 सब्जेक्ट्स होंगे, उसके साथ साथ आपके कुछ असाइनमेंट्स भी होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे, कुछ सेमिनार्स होंगे, तो वो धीरे धीरे चलता रहता है। फर्स्ट सेकेंड ईयर में इतना ही होता है, बट थर्ड और फोर्थ जो ईयर होती है वो ऑलमोस्ट आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हो, या आपने क्या चीज़ नया इन्वेंट किया, ये सेमिनार आपकी प्रेजेंटेशन कैसे, तो वो सारी चीज़ें उसमें आपकी कराई जाती हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आप अपने आप को प्रेजेंट करना भी सीखते हो। अब हम बात करते हैं कि बीटेक में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, जैसे कि उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं और हम उसको स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो बीटेक में 7 से 8 कोर्सेज होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, उसमें आपके अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है, आपकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होगी, CS ब्रांच होगी, कंप्यूटर एंड साइंस होगी, तो इस तरह के आपके काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्टक फील होता है, जैसे जब मैंने बीटेक स्टार्ट करा था, जब मेरे को बीटेक करना था, मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को कौन सी ब्रांच लेनी है, तो मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच अच्छी है, गर्ल्स के लिए भी अच्छी होती है और इवन आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा स्टक हो जाता है उस टाइम पे चूज़ करना, कि हमें आइडिया तो नहीं होता क्योंकि हम स्कूल से आए होते हैं कि हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इंजीनियरिंग का, कि आप किस स्ट्रीम में जा रहे हो, आप किस कोर्स में जा रहे हो, और उस टाइम पे आइडिया भी नहीं है, बट ये आपकी लाइफ चेंज करने वाला होता है, क्योंकि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम ब्रांच चूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जब हम उसे पढ़ें तो वो बहुत रिलेवेंट हो, उसमें हमें मज़ा आए और उसको विजुलाइज कर पाए, इंटरेस्ट होगा, तभी आप उसमें अच्छा कर सकते हो। जैसे अगर मुझे लगता है कि अगर मैं CS ब्रांच लेती तो शायद मैं पास भी नहीं होती, मेरे को CS वो लॉजिकल मेरे से नहीं होता, कोडिंग मेरे को कभी नहीं समझ आई, क्योंकि हर ब्रांच में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हर ब्रांच से आते हैं आपके, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते थे कोडिंग के, वो मेरे को नहीं समझ में आते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी चूज़ कर रहे हो, जो भी बीटेक में कोर्स, जो भी स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा आपके रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं है कि आप हो कुछ और आपने ले कुछ और लिया। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप ब्रांच चूज़ करो वो आपके बेनिफिट्स में हो, उसमें आपको इंटरेस्ट हो, तभी आप उसमें आगे अच्छा कर सकते हो। अगर मैं देखूँ जो आज का सिनेरियो है, जो भी बच्चे अगर बीटेक करना चाह रहे हैं, तो CS IT जो ब्रांच चूज़ कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगता है, और आज का टाइम CS IT वालों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो जॉब्स हैं, 98% अगर हम जॉब बोलेंगे तो वो CS IT सेक्टर में है, और कोर का अगर आप देखोगे, जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, जैसे आपका PSUs हो गया या AJEE एग्जाम हो गया, तो ये सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, SSC है, CGL है, तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके कोर से कर सकते हो आप, बट बहुत ही सेलेक्टिव ब्रांचेस होती हैं, बहुत ही सेलेक्टिव डिपार्टमेंट या ऑफिसेज हैं जिसमें इतने लोग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ये सब रहता है। बट अगर आप देखोगे स्टार्टअप्स, कंपनी इतनी ज़्यादा CS IT की हैं, तो जो बच्चे CS IT से बीटेक करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, जॉब की फिर उनको कमी नहीं रहती है। और अगर आप देखोगे, अगर जैसे आपने इलेक्ट्रिकल या सिविल से किसी और अदर ब्रांच से बीटेक कर लिया, तो जॉब तो नहीं है, है भी कोर तो वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे होता है कॉम्पिटिशन। और अगर आप सोचते हो कि अपना करियर भी चूज़ करो CS IT में, आप जा सकते हो, आपको उसके लिए फिर एक अलग से मेहनत करनी पड़ती है, आपको कोडिंग सीखना, ये सीखना, वो सीखना, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना अपनी CS IT वाली ब्रांच में, वो फिर भी उसको आपसे बेहतर कर लेगा और उसका प्लेसमेंट लग जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो भी करना चाह रहे हैं, आपके इंटरेस्ट की वो बात अलग है, आप CS IT चूज़ करें, क्योंकि उसका अभी के टाइम पर बहुत अच्छा स्कोप है। अब हम देखते हैं कि बीटेक के लिए कॉलेजेस वगैरह या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हम चूज़ करें जिससे हम अपनी डिग्री को पा सकें। तो जब मेरा 2 महीने थे, जो गर्मियों की छुट्टी होती है, जिसमें मेरे को चूज़ करना था कि मुझे किस कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग करनी है, वो बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि मेरे पास ना कोई ऐसा सीनियर था या कोई भी ऐसा रिलेटिव्स में भी नहीं था कि जो मेरे को आइडिया दे सकें कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो मैंने 3-4 कॉलेजेस में अपने फॉर्म डाले थे और मेरा
चार में से तीन में सिलेक्शन भी हुआ था वहां पर। फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि आइडिया नहीं होता कि आपको कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, उसको आप अच्छे से चूज करो, उसका एक पहले से फ्लो चार्ट हो, पहले से प्री प्लान हो आपका। तो जैसे अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट के थ्रू आप IIT वगैरह से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तैयारी वगैरह करके आप कर सकते हो। बाकी और भी एग्जाम्स हैं, जैसे AKTU है गवर्नमेंट में, तो उसमें भी कुछ कॉलेजेस हैं जो सरकारी हैं। और सरकारी का एक सबसे पहला बेनिफिट ये रहता है कि आपकी फीस बहुत कम होती है, तो यहाँ पे ये आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बाकी बीटेक अगर आप प्राइवेट से करते हो, तो वहां पे फीस बहुत होती है, जैसे 10-12 लाख, 15 लाख भी जाते हैं, 18 लाख भी होती है, तो इतनी फीस भी रहती है। तो प्राइवेट में बीटेक वैसे अच्छी होती है, आपका फैसिलिटीज आपको बहुत अच्छी मिलती हैं, लैब्स आपकी बहुत अच्छी होती हैं, एंड आपके जो फैकल्टीज वगैरह वो अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से कराए जाते हैं। गवर्नमेंट में वो थोड़ा नहीं है, तो वो हाई लेवल का आपको IIT वगैरह का कॉलेज मिले वो अलग बात है। बाकी अगर आप छोटे मोटे किसी सरकारी से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो उससे अच्छा बेटर है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करो। तो ये कॉलेजेस का रहता है कि आपको थोड़ा दिमाग लगा के और थोड़ी सी जानकारी इसके लिए होनी चाहिए कि किस कॉलेज से हमें बीटेक करनी चाहिए, अपने थोड़े बजट के हिसाब से भी, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि लैब्स वगैरह आपको सरकारी या छोटे कॉलेजेस में नहीं कराई जाती हैं, या जो भी जैसे सेमिनार्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको छोटे कॉलेजेस में नहीं मिलेंगी। जैसे मेरा ही जो बीटेक था वो AKTU के अंडर था, जो कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज था, बट वो प्राइवेट था, तो जिसमें फीस बहुत अच्छी खासी थी। पहले तो उसमें डोनेशन वगैरह भी लगता था, फिर जब हमारा हुआ था उसे 1-2 साल पहले, डोनेशन खत्म हो गया था AKTU के थ्रू, या वैसे आपके एडमिशन्स होते थे, बट उसमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, लैब्स वगैरह बहुत अच्छी। तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको बेनिफिट रहता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, आप एक्सप्लोर बहुत चीज़ों को कर पाते हो, बहुत एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ आपको सिखाई जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें आप इंजीनियर के साथ साथ भी सीखते हो, जिससे आपका ओवरऑल जो आपका ऑरा पर्सनैलिटी है वो बहुत चेंज होती है। और इंजीनियरिंग की एक सबसे खास बात है जो मैंने भी रियलाइज़ करी, मैं पहले बहुत सुनती थी इस चीज़ को, कि जिस बच्चे ने भी इंजीनियरिंग कर ली ना, वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। जैसे MBBS डॉक्टर है वो भाई अपने फील्ड में रहेगा, बट इंजीनियर है ना, वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, किसी भी फील्ड में जाके काम कर सकता है, कमा सकता है और खा सकता है। तो इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि हम लोगों को इतना प्रेशर दिया जाता है, आए दिन एग्जाम्स, आए दिन असाइनमेंट, आए दिन सेमेस्टर, आए दिन प्रेजेंटेशन, ये वो फलाना, तो इतना सिखा देते हैं, और एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज भी होती है ऑन कैंपस, उसमें भी आप बहुत एक्सप्लोर करते हो, तो इतने प्रेशर में चीज़ों को हैंडल करना, एग्जाम क्लियर करना, निकलना, उससे हम इतने टफ और इतने एक्सप्लोर कर जाते हैं कि हम, आप किसी भी जॉब में, किसी भी कंपनी में, या आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इंजीनियर्स यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स स्टार्टअप भी कर रखे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस है, तो हर इंसान, हर इंजीनियर बहुत ज़्यादा किसी भी सेक्टर में है, एक्टर में है, एक्टर भी हैं, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसीलिए ही हर सेक्टर में अच्छा कर पाते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ उन 4 सालों में एक्सप्लोर कर लेते हैं, बहुत कुछ वो सीख लेते हैं उस प्रेशर में रह के। तो मेरे को तो एक सबसे बेस्ट इसका ये भी आइडिया लगता है कि इंजीनियरिंग इज बेस्ट है, कि आप इंजीनियरिंग तो करोगे करोगे, उसमें भी अच्छा कर सकते हो, उसके अपार्ट अगर आपको लाइफ में जो भी मौका मिलेगा ना, आप कभी घबराओगे नहीं, आप कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकते हो, और जो भी करोगे आप अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का ही बढ़ जाता है। और अब बात करते हैं कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपने बीटेक कर लिया, उसके बाद आपके लिए कौन कौन सा जो सेक्टर है, क्या क्या स्कोप आपके लिए खुल जाता है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हो, आप रेलवे में है, आप हर एग्जाम दे सकते हो, जैसे आपका PSU है, गेट है, रेलवे है, तो आप MBA कर सकते हो, आप लॉ कर सकते हो, तो आप हर हर चीज कर सकते हो, कोई भी डिग्री भी कर सकते हो, उसके बाद किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हो इंजीनियरिंग के बाद। तो इंजीनियरिंग करके आपका अगर देखो तो 95% डिपार्टमेंट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में जा सकते हो, और जो भी आप चाहते हो वो आप उस जॉब को या उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग का एक ये भी बेनिफिट है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, और आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, आप वो पा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास ये डिग्री है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, इंजीनियरिंग से आपके बहुत सारे स्कोप्स खुल जाते हैं, तो एक ये भी अच्छा बेनिफिट है। आई विश मैंने इस वीडियो में अपनी जितनी भी लाइक एक्सपीरियंस थे मेरे इंजीनियरिंग के टाइम के,
या जो भी मैंने एक्सप्लोर किया वो, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्या ब्रांच, कौन सा कॉलेज या क्या कोर्सेज होंगे और कैसे कैसे क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताई। तो अगर आप भी बीटेक करना चाह रहे हो, आप भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनना चाह रहे हो, तो आई होप ये जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो आपके काम आए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई और कोर्सेज के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सो डू कमेंट मी, एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।